अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों को खुद अपनी आईब्रोज जो हैं वो करके दिखाऊंगी और सिखाऊंगी आप लोगों को कि आप लोग जो हैं वो अपनी आईब्रोज घर पर खुद कैसे कर सकती हैं। आपने जी सबसे पहले इस हाथ से बालों को ऊपर की तरफ ब्रश कर लेना है अच्छी तरह से। ये देख लें आप लोग, जो हेयर्स निकल चुके हैं उनको आपने कटिंग करना है। कटिंग आपने इतनी फाइन करनी है कि आपकी आईब्रोज इस तरह लगना स्टार्ट हो जाए जैसे आपकी जो है वो आईब्रोज की हुई हैं। यहाँ से जो है वो आपने अप रखनी है, यहाँ से आपने डाउन रखनी है। वही मेथड जो आप लोग किसी के आईब्रोज करते हुए फॉलो करते हैं और वही मेथड जो है वो आपने अपनी आईब्रोज करते हुए स्टेप्स को फॉलो करना है। आपने इस रुख में रख के ना अपनी आईब्रोज को ड्रा करना है। इस रुख में रख के आपने आप एक दफ़ा ना एक डॉट लगा लें या निशान लगा लें, देन जो है वो अपनी आईब्रोज को करना स्टार्ट करें। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये वाले जितने भी हेयर्स हैं ना, इससे डाउन वाले हेयर्स हैं वो मैंने रिमूव करने हैं। और यहाँ से जो है ये वाले इतनी मेरी आईब्रोज की शेप है, एंड उसके बाद जितने भी हेयर्स हैं ना वो मेरे एक्स्ट्रा हेयर्स हैं, मैंने उन्हें रिमूव करना है और मैंने शेप को टच नहीं करना। मुझे पता है कि अपनी आईब्रोज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है, बट अगर आपको 2 से 3 दफ़ा कर लें या तकरीबन 2 से 3 दफ़ा भी नहीं चाहे, शायद आपको थोड़े से ज़्यादा टाइम अगर बात करें ना तो आपको जो है वो ज़्यादा मुश्किल होगी आईब्रोज करनी। लेकिन आप 3 से 4 टाइम्स अगर कर लेती हैं ना, खुद आईब्रोज कर लेंगी तो आपको जो है वो आसानी होगी नेक्स्ट टाइम करने में। आप जो भी काम देख रही होती हैं उसको ट्राई ज़रूर किया करें। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को साथ साथ क्लास दे रही थी और मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी जो है वो यूट्यूब फैमिली के साथ भी सेल्फ आईब्रोज ट्यूटोरियल भी शेयर करूं, ताकि अगर आप लोग भी, मैं अपने YouTube फैमिली के साथ A to Z तमाम चीज़ें जो है वो शेयर करना चाह रही हूँ। जितनी भी मेरे जितना अगर आप मेरे ख्याल में आप अपना काम बेस्ट करेंगी ना, जब तक आप अपना काम बेस्ट से बेस्ट नहीं करेंगी तब तक आप किसी का भी काम जो है वो बेस्ट और परफेक्ट नहीं कर सकती। इसलिए कोशिश किया करें कि अपने ऊपर खुद पर एक्सपेरिमेंट्स करें, प्रैक्टिस करें, देन जो है आप किसी का भी काम जो है वो बहुत अच्छी तरह से कर सकती हैं। ये देख लें कितना स्मूथली मैं जो है वो आईब्रोज को जो इतने भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उनको रिमूव कर रही हूँ। रिमूव करने के बाद मैं आप लोगों को रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी। इसी तरह की मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं आपको ब्यूटेशन की, अब क्लासेस क्योंकि स्टार्ट हो चुकी हैं इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है उस क्लास को ज्वाइन कर सकें। अगर आप सैलॉन्स पर जाकर या अकेडमीज जाकर ब्यूटेशन की क्लासेज अफोर्ड नहीं करती, तो मेरा चैनल स्पेशली उन सब लड़कियों के लिए है जिन्हें जिन जिन टॉपिक्स पर भी मसला आ रहा हो। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, जो भी आप कमेंट करेंगे उसके बाद जो है आप इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकती हैं, इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर सकती हैं। जिस टॉपिक पे भी आप लोगों को वीडियो चाहिए आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकती हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को हर उस टॉपिक पर वीडियो बना के दूँ जो जो चीज़ें आपको जिन जिन चीज़ों में आप लोगों को मुश्किल हो रही है, और आप लोगों को डिटेल के साथ प्रोडक्ट नेम के साथ बताऊँ। यहाँ से जी जब मैंने हेयर्स रिमूव किए थ्रेड के साथ, तो यहाँ पे एक बाल जो था वो रह गया था जिसको जो है वो मैं रिमूव कर रही हूँ ट्यूज़र से। अब आप लोग देख लें यहाँ तक जो है जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं मैं इसको ट्यूज़र से रिमूव नहीं करूँगी, मैं थ्रेड के साथ ही इसको रिमूव करूँगी। अगर आप ट्यूज़र से करना चाह रही हैं रिमूव, तो नीचे से ट्यूज़र से रिमूव कर लें। आपने इस तरह से जो है अपनी आईब्रोज को अप करना है, आइज़ ऑफ करके जो है आपने आईब्रोज को नीट नहीं करना है, इस तरह से अप करना है, बोन के ऊपर आईब्रोज को लेके जाना है इस तरह से, और बहुत स्मूथली हैंड के साथ। ये नहीं कि एक ही दफ़ा में सारे हेयर्स ले जाएँ, नहीं, आपने आहिस्ता आहिस्ता से रिमूव करना है ताकि जो है वो आपकी आईब्रोज पे कोई कट्स वगैरह ना लगे। इस तरह से जी आपने आईब्रोज को रिमूव करना स्टार्ट करना है। देखें कितना मैं स्मूथली हैंड के साथ जो है वो आईब्रोज के हेयर्स को रिमूव कर रही हूँ। पेन की अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल में कि अगर आप अपनी आईब्रोज खुद करती हैं ना, तो उसके अगर आप किसी से करवा रही हैं उसकी नस्बत जो है वो काफ़ी पेन, मुझे तो अपने हाथ से अगर मैं आईब्रोज करूँ ना तो बहुत कम पेन होता है। मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने तकरीबन 15 मिनट के अंदर अपनी आईब्रोज को जो है वो मैं डन कर लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा स्मूथली हैंड के साथ। यहाँ पर जी जो बिल्कुल आपकी आईब्रोज के साथ साथ हेयर होंगे ना, आपने जो है उनको जस्ट ट्यूज़र से निकालना है, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरा यही होता है कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो इसी चीज़ के फ़ैन है कि मैं टोटल आईब्रोज जो हैं वो थ्रेड के साथ ही करती हूँ। मैं ट्यूज़र बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि ट्यूज़र से थ्रेड से ये होता है कि आपका आईब्रोज जो है वो नीटली जो है वो रिमूव हो जाती हैं, आपका छोटे से छोटा बाल भी रिमूव हो जाता है। इस तरह ये वीडियो रिकॉर्ड करवाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा था और थ्रेड चलाना भी, बट मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये चीज़ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करनी है, ताकि जिन लड़कियों को आईब्रोज खुद करने में मसला आ रहा होता है तो अगर वो इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना तो उनकी आईब्रोज जो है वो जल्दी और फटाफट से जो है बन जाएंगी। आपने जब यहाँ से हेयर
लेकर मूव करने है ना, तो आपने इस डायरेक्शन में थ्रेड को चलाना है, इतना स्मूथली थ्रेड चलाना है। और जब आप इस तरह से थ्रेड चलाएंगे ना, आपसे ये आप मुझे मेरे स्टूडेंट्स भी कह रहे थे अगर आप हमसे ये वाला पार्ट जो है वो नीट नहीं होता, तो आपने इस तरह से जो है जब थ्रेड चलाएंगी ना, तो ये वाला पार्ट जो है वो आपका ईजिली और बहुत नीटली जो है वो रिमूव हो जाएगा। बाकी आप लोग देख लें कितनी कमाल की और आउटस्टैंडिंग आईब्रोज जो है वो रेडी होकर आप लोगों के सामने हैं। बाकी जी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है आप लोगों ने, और नेक्स्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो सब्सक्राइब अभी तक जिन जिन लोगों ने नहीं किया, जिन जिन लड़कियों ने नहीं किया, जिन जिन मेरी प्यारी बहनों ने नहीं किया, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का मेम्बर बन जाएँ, क्योंकि भाई ये चैनल आप लोगों के लिए ही है। देख लें जी कितनी कमाल की आईब्रोज जो है वो मेरी बनकर रेडी हो चुकी हैं। आई होप सो आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। बाकी जी अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। बाकी जी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।